मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एना फिजियो क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग सीक्रेटरी फंक्शन ऑफ जी आई टी इन विच टूडे विल स्टार्ट विद पेनक्रियाज। तो ये आप देख ही रहे हैं पेनक्रियाज, इसमें पेनक्रियाटिक डक्ट दिखाई गई है, उसके टेल, उसके लॉब्यूल्स को यहाँ, ये हेड टेल और बीच में से लॉब्यूल्स को बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, जिसमें एसिनर सेल्स दिखाई गई हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। ये पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स हैं जो कि हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, इंसुलिन ग्लूकागॉन, है ना। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है जहाँ पर ये ग्लैंड अपने, ये सेल अपने सिक्रीशन को जिसमें डालती है। ये एक्सोक्राइन सेल्स है जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। ये यहाँ पर इसी को इलाबोरेट करके दिखाया गया, इंट्रालॉबुलर डक्ट दिखाई गई है, आइलेट ऑफ लैंगहाइंस दिखाए गए हैं, ये कैपिलरी है। नीचे देखो सेंट्रो एसिनर सेल्स बताई गई, ये ब्लू ब्लू कलर की, ये इंटरसेल्युलर कैनेलिक्यूलाई है जिसके रास्ते, जो इसको रास्ता प्रदान कर रही है। इंटरकैलेटेड डक्ट बताई गई हैं, ये एसिनर सेल को बड़ा करके दिखाया गया जिसमें जाइनोजन ग्रैन्यूल्स है, गोल्जाई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस दिखाया गया है। तो ये पूरी एनाटॉमी पेनक्रियास की है। अब देखिए पेनक्रियाटिक सिक्रीशन, पेनक्रियास के दो फंक्शन होते हैं, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस करती है। एंडोक्राइन फंक्शन में ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन आइलेट ऑफ लैंगहाइंस से इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है। जो आप पढ़ चुके हो कि अल्फा सेल से तो ग्लूकागॉन आइलेट की और लैंगहाइंस की बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है। अब एक्सोक्राइन फंक्शन के तहत पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है जिसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक्वस और एंजाइमेटिक कॉम्पोनेंट्स। एक्वस कॉम्पोनेंट में बाइकार्बोनेट होता है जो कि स्टमक एसिड को, ड्यूडेनम में स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाए। ये बाइकार्बोनेट का काम होता है जो एक्वस कॉम्पोनेंट में होता है। दूसरा है इसका एंजाइमेटिक कॉम्पोनेंट, ये कार्ब, फैट और प्रोटीन के प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है। तो एक्वस कंटेंट और एंजाइमेटिक कंटेंट, एक्वस कंटेंट तो न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड को ताकि वो पेनक्रियाटिक एंजाइम अपना ड्यूडेनम में फंक्शन कर सके, ड्यूडेनम में ये एसिड हट जाए और ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक एंजाइम अपना काम कर सके। दूसरा एंजाइमेटिक कंटेंट जो कि कार्ब, फैट, प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर करवा देता है। तीसरा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, कीमो ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ये चार एंजाइम्स भी जो पैनक्रियास है वो सिक्रीट करता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स के फंक्शन देखिए, यहाँ पे स्टार्च पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि पीएच 7 पे वर्क करता है, उससे वो अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज और माल्टोट्रायोज में तोड़ता है। फैट यानी ट्राइग्लिसराइड जो कि 8 पीएच पे लाइपेज और कोलाइपेज की प्रेजेंस से मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में टूटता है। ट्रिप्सिनोजन एंटीरोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ट्रिप्सिन में टूटता है और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। ना केवल ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहा है, इवन ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में तोड़ता है, ये काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ते हैं। फिर इस पॉलीपेप्टाइड को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। तो प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से अमाइनो एसिड, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन रोल प्ले करते हैं, जबकि पॉलीपेप्टाइड से अमाइनो एसिड को में टूटने में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रोल प्ले करता है। ये सारा का सारा फंक्शन पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स का होता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल से ये देखिए एंटीरोकाइनेज रिलीज हो रहा है जो कि काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में तोड़ रहा है और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। अब ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे चलता है भाई? तो ये देखिए ब्रेन के अंदर वेगस नर्व जो कि स्टमक के पास ये पैनक्रियाटिक जूसेस, ये पैनक्रियास बनी है जहाँ से पैनक्रियाटिक जूसेस को ये ड्यूडेनम के अंदर डाल रहा है। इसके इससे फिर क्या है, सीक्रेटिन और कोल सिस्टोकाइनिन रिलीज होते हैं, सर्कुलेशन में जाते हैं और फिर ये कोल सिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन जो है स्टमक के ऊपर अपना रोल दिखाते हैं।
यहाँ पर देखिए पैनक्रियाज के साथ में यहाँ पर बताया गया कि ड्यूडेनम में जो एसिड प्रेजेंट होती है वो सीक्रेटिन को रिलीज़ करती है, और ड्यूडेनम में फैट की प्रेजेंस जो होती है, एसिड की प्रेजेंस और सीक्रेटिन को, और फैट की प्रेजेंस कोलसिस्टोकाइन को रिलीज़ करती है। ड्यूडेनम में अगर एसिड प्रेजेंट है तो उसे सीक्रेटिन रिलीज़ होगा, और फैट प्रेजेंट है तो उसे कोलसिस्टोकाइन रिलीज़ होगा। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई दिखाया गया है। ये वेगल स्टिमुलेशन आता है जिससे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होने शुरू होते हैं। ये सीक्रेटिन जो है वो बाई कार्बन सीक्रीशंस को रिलीज़ करवाता है। सीसी के जो है वो एंजाइम के सीक्रीशन को, एंजाइम का सीक्रेशन कॉज करवाता है। ये पैनक्रियाटिक सीक्रेशन फिर से देख लिए भाई, कोलसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन वगैरह। फूड के प्रेजेंस में हमने कहा ना कि एसिड प्रेजेंट है तो सीक्रेटिन, और लिपिड प्रेजेंट है तो सीसी के रिलीज हो रहा है। सीसी के आगे जा करके ये देखिए सीक्रेटिन और सीसी के दोनों पैनक्रियाटिक जूसेस में रोल प्ले कर रहे हैं, एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, प्रो एंजाइम्स वगैरह, वाटर बाइकार्बोनेट के साथ इनका रोल है दिखाया गया यहाँ पर। अब लिवर गॉल ब्लैडर देख लीजिए पेनक्रियाज के बाद में, स्ट्रक्चर तो आपने देखी हुई है। लिवर का फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेशन, हीमाटोलॉजिक रेगुलेशन और बाइल का प्रोडक्शन। मेटाबॉलिक रेगुलेशन में ये न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब करके स्टोर करेगा, और जब भी उनकी ज़रूरत होगी तो उसको रिलीज़ करेगा। हीमेटोलॉजिकल रेगुलेशन में इसके अलावा लीवर मेटाबॉलिज्म तो करवाती है, सभी तरह के जो कार्ब फैट प्रोटीन है वो यहाँ पे मेटाबॉलाइज होंगे। दूसरा हीमेटोलॉजिकल रेगुलेशन प्लाज्मा प्रोटीन का ये प्रोडक्शन करवाता है, और आरबीसी को, जो पुरानी आरबीसीज है उनको रिमूव करता है। और तीसरा फंक्शन है बाइल का प्रोडक्शन, जो कि फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में लिए हेल्पफुल होता है, तो उस बाइल को ये प्रोड्यूस भी करता है। ये अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी वाली सारी चीज़ें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सीक्रेशन देख लिए भाई, स्टमक का हो गया, उसके एसेसरी ऑर्गन्स का हो गया या ग्लैंड्स का हो गया। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सीक्रेशन देखिए, ड्यूडेनल ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सीक्रेशन। सीक्रेटरी वॉल्यूम है 1 से 3 लीटर पर डे। इसमें इनऑर्गेनिक आयन, म्यूकोप्रोटीन, IgA एंटीबॉडी और बहुत सारे एंजाइम जैसे एंटीरोकाइनेज वगैरह होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये म्यूकस के प्रोटेक्टिव इफेक्ट, म्यूकस को प्रोटेक्टिव इफेक्ट देते हैं। पेप्टाइड, सुक्रेज, लाइपेज जैसे एंजाइम डाइजेशन में हेल्पफुल करते हैं, और ये डाइल्यूशन का काम भी कर रहे होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ये एंजाइम्स देख लीजिए, यहाँ पर इंडिविजुअल एंजाइम्स को अपन देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में तोड़ता है। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे। लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड में तोड़ते हैं, और न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को शुगर और बेस में तोड़ते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से शुगर और बेस। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड? जो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए, आरएनए, है ना। इसके बाद डाई और मोनोग्लिसराइड जो है वो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। ये सारे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं, और ये इनके फंक्शंस हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन का भी सीक्रीशन पढ़ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, ताकि अपने सीक्रीशंस कंप्लीट हो जाएं सारे के सारे जीआई के। तो कोलोनिक एल्कलाइन सीक्रीशन जो है वो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इंटेस्टाइन बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज, क्योंकि इंटेस्टाइन में एसिड कहाँ से आएगा? वो तो स्टमक में होता है एसिड, तो इंटेस्टाइन में एसिड कहाँ से आता है? बैक्टीरिया के द्वारा उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एल्कलाइन सीक्रीशन। दूसरा म्यूकस का सीक्रीशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और फीकल मैटर को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि वो आसानी से पास हो जाए। और थर्ड फंक्शन है विटामिन बे और के का एब्जॉर्प्शन, जो कोलन में बैक्टीरियल फ्लोरा करवाते हैं। बस तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का सीक्रेशन पढ़ लिया, तो इसके साथ ही आपके जीआई का सीक्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सिंपल है, इजी लैंग्वेज में, कोई मुश्किल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो है आपको, कुछ भी फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी।